लोकसभा चुनाव के तहत चौथे चरण के चुनाव नामांकन के आज आखिरी दिन यूपी की कन्नौज लोकसभा सीट को लेकर सियासी पारा हाई रहा। जहां एक तरफ बीजेपी के खेमे से सुब्रत पाठक ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं प्रदेश में इस वक्त सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज कन्नौज सीट से अपना नामांकन दाखिल कर इस मुकाबले को और भी रोमांचक मोड़ दे दिया है। वहीं अब अखिलेश के नामांकन को लेकर भाजपा उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने भी इसे भारत पाकिस्तान का मैच बता डाला है। उन्होंने कहा कि सपा ने पहले तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया था, ऐसा लग रहा था कि भारत का मुकाबला नेपाल से हो रहा है। वहीं अब अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे तो मुकाबला भारत और पाकिस्तान के मुकाबले जैसा होगा। चैलेंज नहीं था, मैं देखो लोकतंत्र में क्या होता है कि चुनाव एक बड़ी प्रक्रिया होती है और शायद सबसे बड़ा त्योहार होता है, और जब चुनाव हो तो रोचक हो। देखो कुल मिलाकर हम लोग जब मैच देखने जाते हैं किसी भी स्टेडियम में तो हम उम्मीद करते हैं कि मैच रोचक हो, अच्छा लगता है, हार जीत किसी की भी हो। लेकिन यदि मैच एक तरफा हो जाता है, मैंने भारत यदि चुनाव मैच जीत जाता है एक तरफा तो भी मजा नहीं आता, बहुत लोग बीच में छोड़ के चाहते हैं। और जब हम मूवी देखने जाते हैं तो भी मूवी में अगर इंटरेस्टिंग नहीं होती है तो पूरे 3 घंटे बैठते नहीं, लंच में ही छोड़कर चले आते हैं। तो कुल मिलाकर आज मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य है कि चुनाव है, उसी प्रकार से अगर यहाँ पर अखिलेश जी किसी को भेजे ही था तेज प्रताप को, समझ में आ गया, उनको हमने पहले ही कहा था, लेकिन उनका घमंड था नहीं, किसी को भेज देंगे कन्नौज जीत जाएगा। तो अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा, और जीतना भारत को ही है कोई भी वर्ल्ड कप हो। तो क्या आप अखिलेश यादव की तुलना पाकिस्तान से कर रहे हैं? नहीं, उनकी विचारधारा पाकिस्तानी है। पाकिस्तान का मतलब मैं किसी देश से बात नहीं करता, पाकिस्तान माने आतंकवादी, पाकिस्तान माने भ्रष्टाचारी, पाकिस्तान माने हत्यारा, पाकिस्तान माने लुटेरा। जिस प्रकार से वहां के ऊपर इन 75 वर्षों में 27% जो हिंदू आबादी हमारी वहां के ऊपर समाप्त कर दी गई, 14-14, 15-15 साल की बच्चियों को उठाकर जबरदस्ती 70-70 साल के लोगों से निकाह करा के किस प्रकार के उनको एक अत्याचार उनको दिए गए, और जो कुछ भी पाकिस्तान में होता है कि हम देखते नहीं है, तो वो उस प्रकार की इनकी प्रवृत्ति है। आज जिस प्रकार से माफिया के घर पे जाना, एक दुर्दांत माफिया, वो भी जो कि विशेष संप्रदाय का था, इसलिए उसके घर में जाना मैंने माफिया और आतंकवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, उकसाना, किस प्रकार से इस प्रकार के लोग निकलेंगे। और इस प्रकार के लोग यदि निकलेंगे तो आतंकवादी, मैंने आज अगर इनकी सरकार आ गई तो भी एक मुख्तार मरा है, ना जाने कितने मुख्तार पैदा हो जाएंगे, ये पैदा कर देंगे, हाथ रख देंगे उनके ऊपर। यही तो किया है, ये कैसे मुख्तार पैदा हो गया, कैसे कोई अतीक पैदा हो गया, पैदा तो इन्हीं के कारण से हुआ, इनके संरक्षण में हुआ। तो कुल मिलाकर देखो ये उत्तर प्रदेश नहीं, देश का सबसे बड़ा सांप्रदायिक चेहरा अखिलेश यादव है, जिन्होंने सरकार बनते ही आतंकवादियों को छोड़ देने का इन्होंने सिफारिश किया था। इनके समय पर किस प्रकार से दंगे होते थे और दंगाइयों को बुलाकर किस प्रकार से इनके मुख्यमंत्री आवास पर उनको पूरी तरीके से उनको संरक्षित किया जाता था, उनको महिमामंडित किया जाता था, तो ये सब देखा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सांप्रदायिक चेहरा है और निश्चित रूप से इनको विदाई देना, ये कन्नौज की जनता एक बहुत बड़ा मैसेज देश को देगी। उधर समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भी कन्नौज में सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव के बीच मुकाबले को लेकर सपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि अखिलेश भारी बहुमत से जीतेंगे और सुब्रत पाठक कहीं टिक भी नहीं पाएंगे। अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत से वहां से जीतेंगे, और इसके साथ साथ आसपास के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा चलेगा और सब सीटें आसपास की सब जीतेंगे। सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि अखिलेश यादव चुनाव हार जाएंगे, हर वक्त कन्नौज एक नया इतिहास लिखता है, नया इतिहास लिखा जाएगा। तो देखिए अखिलेश यादव वहाँ से कई बार जीत चुके हैं, सिंपल भी कई बार जीत चुके हैं, और फिर अखिलेश यादव जीतेंगे। और देखिए इनका तो वहाँ कोई नाम भी नहीं ले रहा है सुब्रत पाठक का, और ये तो इनकी इतनी हवा खराब है, इन्होंने दुकानदारों को पीटा, कई लोगों से इन्होंने दुर्व्यवहार किया है, तो ये तो देख लेना सुब्रत पाठक कहीं टिकेंगे भी नहीं। सुब्रत पाठक ने एक बार चैलेंज किया था कि अखिलेश यादव में दम हो तो यहाँ जाके चुनाव लड़ें, अब अखिलेश जी मैदान में उतर चुके हैं। तो मैदान में उतर चुके और अखिलेश यादव बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। मैनपुरी चुनाव है, लगातार देखा जा रहा है भाजपा से बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, आज योगी आदित्यनाथ जी भी आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं?
अब देखिए डिंपल तो बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं और उन्हें मालूम होना चाहिए कि नेताजी भी यहाँ से लड़ते थे और जीतते थे और नेताजी का क्षेत्र है। अब ये जो नेता आ रहे हैं खाली वैरिंग चले जाएंगे। पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का होने वाला है, किस स्थिति में देख रहे हैं आप पार्टी को? आप देखिए पहले चरण में चुनाव जो हुआ है तो उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी हताश हो चुकी है और पहले चरण के बाद दूसरे चरण का चुनाव होना है और अब ये चुनाव देखिए आगे जैसे जैसे चलेगा वैसे ही आधी का रूप इंडिया गठबंधन के रूप में ले लेगा। गौरतलब है कि ये तीसरी बार है जब अखिलेश यादव कन्नौज से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। इससे पहले साल 2000 में हुए उपचुनाव में अखिलेश यादव ने बसपा प्रत्याशी अकबर अहमद डंपी को हराया था। इसके बाद अखिलेश साल 2004 और 2009 में भी यहां से जीते। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इससे पहले कन्नौज से तेज प्रताप यादव को इस साल उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से ठीक पहले भतीजे तेज प्रताप का टिकट काट कर अखिलेश स्वयं मैदान में उतर गए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और निवर्तमान सांसद सुब्रत पाठक ने भी इस सीट से आज ही नामांकन दाखिल किया है। ऐसे में कन्नौज में लोकसभा चुनाव का ये सियासी महासमर अब और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ ले चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।